राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान सुरक्षा संवाद पर एक दिवसीय कार्यशाला पनवाड़ी हाट में आयोजित की गई। इसके आयोजक महिला सशक्तिकरण बाल विकास एवं पुलिस विभाग था। इस मौके पर चौकी प्रभारी दिनेश साहू, अतिराज सेंगर, परियोजना अधिकारी हेमलता नामदेव, पर्यवेक्षक प्रेमलता लोधी, ममता कुशवा, कोऑर्डिनेटर सुषमा शिवरे उपस्थित रहे, जिसके बाद दहेज प्रथा बाल विवाह के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। कोऑर्डिनेटर ममता ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज उत्पीड़न के मामले दिन प्रतिदिन अखबारों में पढ़ने को मिल रहे हैं। भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म किया, मित्र ने मित्र की बहन के साथ दुष्कर्म किया, आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। माता पिता को विचार करने की जरूरत है कि 18 साल से कम उम्र में बच्चों के विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह कानूनन अपराध है और दहेज प्रथा का दानव कितनी बहन बेटियों और बहुओं को जान ले चुका है। दहेज प्रथा भी बंद होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी बाल विवाह के बारे में, थोड़ा सा घरेलू हिंसा के बारे में जान लेते हैं। आपने अभी मैडम ने आपको बताया घरेलू हिंसा के बारे में, अगर कहीं घरेलू हिंसा होती है तो किस नंबर पर हमें कॉल करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे जब तक आप इस कार्यक्रम से जाओ तब तक ये आपको अच्छे से याद हो जाए। अभी नंबर बता देना बोलना। अगर घरेलू हिंसा होती है, घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, महिला के साथ या बालक के साथ अत्याचार होता है, तो इसके लिए कौन सा नंबर हमें डायल करना है? 1098 बच्चों का। अगर बच्चों के साथ हो रहा है किसी को तो चाइल्ड लाइन का नंबर है। तो मतलब की चीज निकालने हो बरकेड़ा का कह रहे हैं सर, बरकेड़ा चालू नहीं करा तो इधर से थोड़ा सा निपटे जब तो कर देंगे। आपकी बात हो तो कह देना कि ना करवा देते हैं, एक दो दिन में हो जाएगा शुरू। थोड़े ना बोलूँ तो 36 है यार, दो दिन घूमने जाते हैं इस मोबाइल से नहीं। मैडम ये